please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा कई पार्टियों के नेता शामिल हुए और सभी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस प्रार्थना सभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, एनसीपी नेता तारिक अनवर, राज्यसभा सांसद अमर सिंह समेत कई क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश निर्माण के लिए किए गए अटल जी के योगदान को याद किया। अनगिनत गुड गवर्नेंस की बात हो, नेतृत्व की बात हो, दल को आगे बढ़ाने की बात हो, अनगिनत काम वाजपेयी जी ने। वहीं वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बिताए हुए पलों को याद करना नहीं भूले। उनके साथ साथ मिल करके कई सारे अनुभव किए, सिनेमा भी साथ साथ देखते थे, पुस्तकें साथ साथ पढ़ते थे। इसके अलावा प्रार्थना सभा में पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उनकी कविताओं और राजनीतिक सूझबूझ की तारीफ की। यूपी के गाजियाबाद में दो बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला डॉक्टर पर तेजाब से हमला कर दिया। आरोपी के हमला करने वाले लड़कों का महिला से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद बाइक सवार दोनों बदमाश महिला का पीछा करने लगे। सीसीटीवी कैमरे में महिला को भी स्कूटर पर वहां से जाते हुए देखा गया। थोड़ी देर पीछा करने के बाद दोनों आरोपी महिला के स्कूटर को रोककर खड़े हो गए और उस पर तेजाब से हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। जिस जगह महिला पर हमला हुआ वहां सड़क पर तेजाब के कुछ निशान भी लगे दिखे। वहीं जिस बोतल में आरोपी तेजाब भर कर लाए थे वो भी वहीं पड़ी नजर आई। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने दावा किया कि हमला करने वाले आरोपी महिला डॉक्टर की जान पहचान के थे और उनका महिला से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। दिल्ली में बिहार भवन के बाहर जेएनयू के कुछ छात्र हाथों में बैनर और पोस्टर लिए प्रदर्शन करने लगे। इस विरोध के जरिए छात्रों ने बिहार के मोतिहारी में असिस्टेंट प्रोफेसर संजय कुमार पर हुए जानलेवा हमले के बहाने नीतीश सरकार को घेरा और जिसके लिए वो दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में मौजूद बिहार भवन का घेराव करने पहुंचे। छात्रों ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी करने वाले महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संजय कुमार के पक्ष में नारे लगाए। जेएनयू के छात्रों ने ढोल नगाड़ों की थाप के बीच नीतीश सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। छात्रों ने एक सुर में बिहार की जेडीयू बीजेपी सरकार पर हमले के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। ये जो कॉन्फिडेंस लगातार तंगियों के अंदर आ रहा है, ये वहीं से आ रहा है जब सरकार उनको संरक्षण दे रहा है। जेएनयू के छात्रों ने केंद्र की एनडीए सरकार के कार्यकाल के समय भीड़ की हिंसा से जुड़ी घटनाओं के बढ़ने का भी दावा किया। दिल्ली के लक्ष्मीबाई नगर में केंद्र सरकार के मंत्री नरेंद्र तोमर के पीए ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम कुंदन था। उसके कमरे से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन उसका कमरा अंदर से बंद था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद उसका शव उसके परिवार के हवाले कर दिया। 31 साल के कुंदन के परिवार में पत्नी और एक 6 साल का बेटा है। केंद्रीय मंत्री के पीए की खुदकुशी के इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक दारोगा पानी में फंसी एक कार के अंदर बैठे कुछ लोगों को निकालने लगे। ये गाड़ी वहां हुई भारी बारिश के बाद जमा हुए पानी में फंस गई, जिसकी जानकारी मिलने पर वहां पहुंचे दारोगा गाड़ी में फंसे लोगों को बचाने के लिए खुद ही पानी में उतर गए। उन्होंने रेलवे अंडरपास में आधी से ज्यादा डूबी गाड़ी से लोगों को निकालने की कोशिश शुरू कर दी। दारोगा एक ट्रैक्टर पर बैठकर पानी में डूबी कार के पास पहुंचे और उसमें बैठे दो लोगों को सही सलामत बाहर निकाल दिया। हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले पति पत्नी अपने रिश्तेदार से मिलने फरीदाबाद जा रहे थे, तभी रेलवे अंडरपास के नीचे उनकी गाड़ी पानी के बीच फंस गई थी। गनीमत रही कि पुलिस की टीम वक्त रहते वहां पहुंच गई और दोनों को बचा लिया। दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में एमसीडी के कुछ कर्मचारी रिहायशी इलाके में बनाई गई दुकानों को सील करने लगे। अवैध निर्माण तोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी की टीम वहां पहुंची और जांच पड़ताल के बाद वहां अवैध तरीके से चलाई जा रही दुकानों और फैक्ट्रियों को सील करने में जुट गई। सीलिंग की कार्रवाई के समय एमसीडी की टीम को लोगों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। कार्रवाई के समय एमसीडी के कर्मचारी मकानों के बाहर लगे बिजली के मीटर भी हटाते नजर आए। अरे ऑर्डर दिखाओ, मीटर उतारने का।
पूर्वी दिल्ली के रिहायशी इलाके में सीलिंग की कार्रवाई शुरू होते ही हड़कंप मच गया और वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई। ये सीलिंग ड्राइव पूरी दिल्ली भर में चल रही है और अब 48 घंटे का नोटिस भी जो एमसीडी है वो तमाम प्रॉपर्टी ओनर्स को दे रही है। सीलिंग का विरोध कर रहे लोगों ने सरकारी महकमों पर धोखा देने का भी आरोप लगाया। ये रेजिडेंशियल एरिया था तो एमसीडी को क्या जरूरत नहीं है लाइसेंस देने की, बीएससीएस को क्या जरूरत है कमर्शियल पावर देने की, और सेल टैक्स डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को क्या जरूरत है यहाँ पर नंबर देने की। एमसीडी के कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सीलिंग की कार्यवाही आगे भी जारी रखने की दलील दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बच्ची से रेप का आरोपी भाई गिरफ्तार हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रिश्ते में बहन लगने वाली 5 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या करने के आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के रुड़की में हाईकोर्ट के जज के घर में चोरी करने के आरोप में पुलिस ने नौकरानी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद कर लिया। यूपी में चंदौली के मुगलसराय में अवैध तरीके से बिहार ले जाई जा रही 22 लाख रुपए की शराब की बड़ी खेप को बरामद कर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के वडोदरा में सावन महीने के मौके पर स्वामीनारायण मंदिर में भगवान को 18 लाख रुपए के नोट से सजाया गया। गुजरात के सुरेंद्रनगर में एक झील के पास पुराने चांदी के सिक्कों के मिलने की अफवाह फैलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हकीकत का पर्दाफाश किया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 7 सितंबर से मध्य प्रदेश का दौरा शुरू कर राज्य में चुनावी अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। पटना में आरजेडी सांसद अशफाक करीम ने हत्या की धमकी मिलने का आरोप लगाते हुए पुलिस में अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। यूपी के शामली में एक सड़क पर गोरक्षा दल नाम के एक संगठन के कुछ लोग दो लड़कों को थप्पड़ मारने लगे। पीट रहे लोगों ने दोनों लड़कों पर गायों को चुराकर उनकी तस्करी करने का आरोप लगाया और दोनों को रंगे हाथ पकड़ने का दावा करते हुए सड़क पर ही उनको पीटना शुरू कर दिया। आरोपियों को पीट रहे गोरक्षा दल नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं के अलावा वहां जुटी भीड़ में एक पुलिस वाला भी नजर आया, लेकिन उसने आरोपियों को बचाने की कोशिश नहीं की। इसी बीच एक आदमी हाथ में बेल्ट लेकर दोनों लड़कों को बेरहमी से पीटने लगा। लड़कों की चीख पुकार सुनकर वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव करने आए, तब जाकर पुलिस वाला सामने आया और दोनों लड़कों को छुड़ाने की कोशिश की। पिटाई करने वालों ने दोनों लड़कों पर गाय चुराने का आरोप लगाया। सती वाले रोड से जो दो गायें चोरी हुई थी उन्होंने हाथों पकड़ी गई है और पकड़ने के बाद जिस टाइम हम इनका पीछा कर रहे थे तो इन्होंने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि मार खाने वाले लड़कों ने गाय चोरी के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। तो कहां लेकर जा रहे थे, कैसा पकड़ा इन्होंने तुम्हें? अंदर लेकर ले रहे और पकड़ के मारने लगे। गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के बाद कार्रवाई की दलील दी। मुंबई में हुए एक शानदार समारोह के बीच प्रियंका चोपड़ा और उनके मंगेतर निक जोनस के रोके की रस्म पूरी की गई। इस रस्म में प्रियंका और निक के परिवार के सदस्यों के साथ साथ कुछ करीबी दोस्त भी शामिल हुए, जिसमें पूरे पंजाबी रीति रिवाज के साथ रोके की रस्में निभाई गई। इस दौरान प्रियंका चोपड़ा सलवार कमीज पहने और सिर पर दुपट्टा रखे दिखी, जबकि निक जोनस भी सफेद कुर्ते पजामे में नजर आए। रस्में पूरी होने के बाद निक जोनस ने सगाई की अंगूठी और दिल की इमोजी के साथ एक वीडियो पोस्ट किया, जिस पर प्रियंका चोपड़ा का नाम भी लिखा था। प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया कि वो निक जोनस की हो चुकी हैं। मैं पूरे दिल और जान से उनकी हो चुकी हूँ। प्रियंका के इस तस्वीर के शेयर करने के कुछ देर बाद ही निक ने भी इसी तस्वीर को शेयर किया और लिखा, भविष्य की मिसेस जोनस, मेरा दिल, मेरा प्यार। रोके की रस्म के दौरान निक जोनस का परिवार भी भारतीय पहनावे में दिखाई दिया। बहुत सज्जन है वो, बहुत प्यारे इंसान है और ये समझिए कि अब जो भी उनका धर्म क्या है, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म पे पूरा ध्यान दिया और पूजा किया उन्होंने। रोके की रस्में पूरी होते ही प्रियंका और निक को बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद प्रियंका और निक ने अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी। इस पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री और कारोबार जगत की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की, जिसमें सबसे पहले पहुंचने वालों में प्रियंका की बहन परिणीति चोपड़ा थी। पार्टी में पहुंचने से पहले परिणीति ने एक तस्वीर शेयर करते हुए प्रियंका के नाम एक संदेश लिखा, आज मैं जादू और परी कथा की गवाह बनी। जब हम बच्चे थे तो मिमी दीदी और मैं घर घर खेला करते थे। हम शर्मीली दुल्हने बनते थे, हमारे झूठ मूठ के बच्चे होते थे और हम अपने पतियों को चाय सर्व करते थे। अजीब है, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि हमें हमेशा प्यार के जादू पर भरोसा था और उम्मीद थी कि हमें एक दिन अपने लिए परफेक्ट इंसान मिलेगा। रोके के दौरान पारंपरिक पहनावे में दिखे प्रियंका और निक शाम की पार्टी में वेस्टर्न ड्रेस में नजर आए। इस पार्टी में आलिया भट्ट भी शामिल हुई, जिन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी साझा की। सलमान खान की बहन अर्पिता और उनके पति आयुष शर्मा ने भी पार्टी में पहुंचकर प्रियंका और निक को बधाई दी। हालांकि अपने व्यस्त कार्यक्रम की वजह से रोके की रस्में निभाने के बाद निक जोनस अपने परिवार के साथ अमेरिका लौट गए, जबकि प्रियंका अपनी फिल्मों की शूटिंग की वजह से मुंबई में ही रुक गई।
हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक पार्क में बैठी एक महिला नशे की हालत में हंगामा करने लगी। आरोप है कि ये महिला रात के अंधेरे में पार्क में बैठकर शराब पी रही थी, लेकिन वहां पहुंची एक महिला ने उसको शराब पीने से रोका तो उसने हंगामा शुरू कर दिया। आरोपी की नशे में धुत महिला ने दूसरी महिला के साथ गाली गलौज भी की। जब महिला ने जमीन पर गिरे पर्स की ओर इशारा किया तो वो भड़क उठी। हेलो मैडम, मैं क्यों उठाऊं? हालांकि पार्क में मौजूद महिला ने उसका पर्स उठाकर लौटा दिया, लेकिन नशे में होश खो चुकी महिला कुछ सुनने को राजी नहीं थी। आप मुझे मारोगी? मारो। तमाम कोशिशों के बाद भी यह महिला पार्क से जाने के लिए तैयार नहीं हुई। मैं नहीं जाऊंगी, ले जाओ, मैं नहीं जाऊं। इसके बाद महिला ने एक पुलिस वाले को वहां बुलवा लिया, लेकिन पुलिस के पहुंचने का भी इस महिला पर कोई असर नहीं पड़ा। Don't touch me. इसका पर्स ले। ले जा। काफी देर तक चले हंगामे के बाद नशे में धुत महिला पार्क की चबूतरे पर ही सो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने का दावा किया।